बात कर रहे हैं वुड्स फेटिग रिएक्शन। ये फेटिग और वुड्स दोनों का है, यानी कुल मिला के अगर एक एल्काइल हैलाइड है और आपके पास एक एक एराइल हैलाइड है और एक एल्काइल हैलाइड है और सोडियम डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर ड्राई अगर लिया जाए, तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? बेंजीन रिंग के ऊपर आर ग्रुप अटैच दिखेगा। ये रिएक्शन हमारे लिए कहलाएगी वुड्स फिटिक रिएक्शंस। तो एक तरह से ये मिक्स्ड रिएक्शन है हमारे लिए। दो तरह के हमारे को फ्री रेडिकल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो रिएक्शंस हमारे लिए क्या रहेगी, यहाँ डेफिनेशंस क्या रहेगी हमारे पास? व्हेन एराइल हैलाइड एंड एल्काइल हैलाइड रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर एंड प्रोड्यूस क्या बोलेंगे हम इसको, एल्काइल बेंजीन। देन रिएक्शन कॉल्ड वुड्स फिटिक रिएक्शंस। बहुत आसान है और मैकेनिज्म भी बिल्कुल इजी है, क्योंकि हम इतनी मैकेनिज्म कर चुके हैं कि हमारे को अब ये चीज़ समझ में आ गई कि सबसे पहले क्या होगा। ये दो सोडियम आपके पास आ रहे हैं और Na प्लस बना रहे हैं और दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, और सोडियम का सॉल्वोलिसिस हो रहा बाय ईथर। तो इस सॉल्वोलिसिस से सोडियम हमारे लिए क्या हो गया, स्टेबल हो गया। लिखते जाएं इसको। अब जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास वो इस एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड के साथ अटैच हो रहे हैं, जिससे आपको दो तरह के फ्री रेडिकल देख रहे हैं, एक बेंजाइल फ्री रेडिकल और एक एल्काइल फ्री रेडिकल। और अगली स्टेप में ये दोनों फ्री रेडिकल अटैच हो रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन है और आपको एक एल्केन जो आपके पास आ रही है और बेंजीन का कॉम्बिनेशन कंपाउंड मिल रहा है। ये रिएक्शन हमारे लिए कहलाएगी वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो कुल मिला के ये हमारे लिए वुड्स फिटिक रिएक्शंस हो गई। यस क्लियर है, लिखें इसको।